माँ गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिरों, देखिए मैं आज फिर आपसे एक विषय चर्चा करने के लिए। देखिए चर्चा का विषय बताऊँ उससे पहले निवेदन करूँ कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में माँ गणेश आय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको मित्रों ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों देखिए अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। देखिए अभी मैंने बताया कि भाग्य के स्वामी बृहस्पति और धन के स्वामी यानी काल पुरुष की उंगली के धन के स्वामी शुक्र, बृहस्पति बकरी हुए और शुक्र मार्गी हुए 4 सितंबर से 8 घंटे के अंतर से और दोनों ही 3 डिग्री के अंतर में है, 18 डिग्री 21 डिग्री ऐसे ही कुछ यानी बहुत निकट है। तो वो दोनों ही मिलकर के बृहस्पति बकरी बृहस्पति या बकरी भाग्य भाग्य के स्वामी भाग्य बकरी और धन मार्गी यानी शुक्र मार्गी तो ये दोनों किन किन राशियों को क्या क्या दे चुके हैं इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। अब तक शायद मैं 10 राशियों की चर्चा कर चुका हूँ। 2 राशियाँ जिनको कि ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है वो बचती हैं, पर मुझसे कहा किसी ने कि भाई ये राशि पर चर्चा क्यों नहीं की आपने, तो मैंने सोचा लाई अच्छा है बुरा जो भी है तो बाकी बची दोनों राशियों की चर्चा भी कर दूँ। तो अभी जो राशियाँ बचती हैं उनकी उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। देखिए अभी कौन सी राशि है, अभी है सिंह राशि। तो देखिए सिंह राशि के लिए लग्न में सूर्य आ गए सिंह राशि में बुध के साथ, ये पहले भाव में, और दूसरे भाव में मंगल हैं कन्या राशि है भाग्य में, धन भाव में मंगल कन्या राशि के साथ, तीसरे भाव में केतु हैं तुला राशि है, चौथे भाव में मंगल की राशि स्कॉर्पियो है कोई ग्रह नहीं है, पांचवे में धनु राशि है, छठे में मकर राशि है जो कि कुंभ राशि में, सातवें भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो शनि से पोषित पल्लवित मकर राशि, बकरी शनि है तो पिछली राशि को बल प्रदान करेंगे तो मकर राशि भी उच्च में ताकत पाए हुए है शनि की। तो और आगे चले तो 8वें भाव में 12वीं राशि है मीन राशि है, 9वें भाव में भाग्य भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं राहु के साथ, राहु का इफेक्ट तो खत्म हो चुका है, राहु तो 2.5 डिग्री के तो 2 डिग्री के आसपास यानी मृत अवस्था में है, तो बृहस्पति अब अति बली युवावस्था वाले बृहस्पति 18 डिग्री वाले बृहस्पति जो कहिए, तो ऐसे बृहस्पति बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। और देखिए कर्म क्षेत्र में दूसरी राशि है यानी वृषभ राशि शुक्र की, और लाभ भाव में मिथुन राशि है, 12वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि में। तो सिंह राशि के लिए देखिए शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था। शुक्र जो है 12वें भाव में है तो 12वां भाव थोड़ा सा देखिए खर्चे का भाव माना जाता है, लेकिन वैसे 12वां भाव शुक्र का अच्छा 12वां, अब ये यहाँ तो राशि कर्क राशि है लेकिन वैसे 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का अपना मीन राशि का घर माना जाता है, अपना माना जाता है। तो शुक्र जो है बैठे हैं विदेश भाव में, तो भाई कुछ भी हो विदेश से तो लाभ मिलेगा यानी विदेश भाव में बैठ करके शुक्र विदेश से तो धन दिलाएंगे आपका, विदेश में व्यापार है कोई, विदेश में कोई ज्वेलरी का व्यापार है, विदेश में कोई कॉस्ट्यूम का आपका लेडीज़ के ब्यूटी चीज़ों का, लेडीज़ के सौंदर्य प्रसाधनों का व्यापार है तो उसमें बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आप कोई एक्सपोर्टर हैं यहाँ से बाहर सामान भेजते हैं कोई लेडीज़ के से कलेक्टर तो उसमें बहुत आपको लाभ मिलेगा, वैसे ही पैसा मिलेगा। और देखिए यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं
कर्क राशि में 12वें भाव में, वहाँ से शुक्र देख रहे हैं मकर राशि को, जो कि शनि की इस समय ताकत पाए हुए है और छठे भाव में बैठी है मकर राशि, तो मकर राशि को देख रहे हैं। तो मकर राशि शनि की राशि है, शुक्र की दृष्टि है, तो देखिए रोग रण से मुक्ति मिलने वाली है। शत्रु भी आपके शनि की राशि होने के नाते कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अच्छा देखिए, और आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो अगर, तो वो भी भिड़े पाएंगे आप। सिंह राशि वालों, ये अच्छा है कि शुक्र की दृष्टि सिंह राशि या शुक्र की दृष्टि शनि की राशि पर, मकर पर, क्यों शनि की राशि हो या शनि बैठे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी शुक्र जो है 12वीं राशि से थोड़ा धन का खर्चा तो कराएंगे, क्योंकि 12वां भाव हानि का भाव होता है, तो धन का तो खर्चा होगा। अब धन का खर्चा तो होगा, क्यों बाहर जाओगे विदेश जाओगे तो धन का खर्चा होगा, और बाहर जाने में तो खर्चा होता ही होता है भाई। तो बाहर जाने के चांसेस तो हैं सिंह राशि वालों, बाहर से अपना आपका बिजनेस है, बाहर से आपका कोई किसी तरह का बिजनेस है, तो उसमें लाभ तो बहुत मिलेगा, उसमें थोड़ा खर्चा भी होगा जाने आने में। और देखिए शुक्र की राशि जो है, वृषभ राशि कहाँ है भाई, 10वें भाव में है, बहुत अच्छा लाभ दे रही है। 10वें भाव में जो राशि है, यानी कौन सी राशि, वृषभ राशि, तो वृषभ राशि जो है कहाँ है, कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र का मतलब नौकरी, कर्म क्षेत्र का मतलब व्यापार, कर्म क्षेत्र का मतलब ट्रेडिंग, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो कर्म क्षेत्र में लाभ तो मिलने ही मिलना है। यानी कर्म क्षेत्र में शुक्र की राशि और दूसरी राशि, सातवीं राशि जो है तुला राशि, वो तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में जो राशि है तुला राशि, वहाँ देखिए पराक्रम और शुक्र का, शुक्र की राशि है तो पराक्रम तो होगा। पराक्रम से मतलब यानी शरीर आपका बहुत एक्टिव रहेगा, मित्रों से आपका लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से लाभ मिलेगा, दोस्तों से, जनता समाज से आपको मान सम्मान मिलेगा, और छोटी मोटी यात्रा करेंगे आप उससे भी लाभ मिलेगा। शुक्र की दूसरी राशि जैसे मैंने बताया था एक 10वें भाव में, तो 10वें भाव वाली राशि जो है आपको तरक्की दे रही है, नौकरी में पैसा बढ़ रहा है, प्रोन्नति हो रही है, तनख्वाह बढ़ रही है, जो शुक्र की राशि है दूसरी। अच्छा आप देखिए बृहस्पति जो है, बृहस्पति तो भाई सिंह राशि के लिए बहुत ज़बरदस्त भाग्य, यानी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्यश तो नहीं है, भाग्यश तो मंगल है, लेकिन बृहस्पति राहु के साथ बैठे हुए हैं मेष राशि में, भाग्यश मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं, वो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय तो चर्चा कर रहा हूँ बृहस्पति की और शुक्र की, लेकिन भाग्यश मंगल भाग्य भाव में धन भाव में बैठकर धन की बारिश तो करेंगे। भूमि पुत्र मंगल है, भूमि से लाभ दिलाएंगे, भूमि के कामों से लाभ दिलाएंगे, बंगला गाड़ी दिलाएंगे, मकान दिलाएंगे, नया मकान चाहते हैं ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। तो देखिए भाग्य भाव में बृहस्पति का बैठना भाग्यों का वर्धन करना, भाग्य को आसमान पर ले जाना, और भाग्य के सहारे तरक्की, और क्यों तरक्की, देखिए भाग्य सहारे, क्योंकि वहाँ तरक्की का मतलब कर्म क्षेत्र में शुक्र की राशि है। तो अब मैं देखूँ, देखिए बकरी बृहस्पति जब हैं तो बकरी बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हुए हैं, 9वें भाव से उनका बकरी है तो पिछली राशि यानी मीन राशि पर असर पड़ेगा। हालांकि मीन राशि 8वें भाव में है, पर मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, तो बकरी बृहस्पति को आप एक तरह से ये मान लीजिए कि बकरी बृहस्पति इतने निकट आ गए पिछले राशि के, कि हम ये मान सकते हैं कि वो बकरी बृहस्पति मीन राशि में ही बैठे हुए हैं। तो मीन राशि का बृहस्पति में, यानी बृहस्पति का बहुत ज़्यादा असर मीन राशि पर आ रहा है, और मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है, अपनी यानी बृहस्पति लॉर्ड और शुक्र की उच्च की राशि, शुक्र उच्च के होते हैं उसमें, तो शुक्र का राशि बृहस्पति की राशि, शुक्र का बृहस्पति का एक संबंध बन गया, एक संबंध। और दूसरा संबंध क्या बनता है, देखिए दूसरा संबंध जब बृहस्पति अष्टम भाव में आ गए तो वहाँ से 12वां भाव पंचम है, तो पंचम और शुक्र से बृहस्पति नवम, नवम पंचम का योग बन जाता है, तो बृहस्पति का शुक्र का नवम पंचम का योग बन जाता है बकरी बृहस्पति का, क्यों बकरी बृहस्पति
आप ये मान सकते हैं कि अष्टम में ज़्यादा असर दे रहे हैं तो अष्टम से। अब ये दूसरा सहयोग बन गया शुक्र का और बृहस्पति का, कि शुक्र यानी बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र के साथ नवम पंचम का संबंध बन रहा है। तो देखिए शुक्र और बृहस्पति मिल गए अब जो है सिंह राशि वाले जातकों को लाभ पहुंचाएंगे। तो ये है मतलब कि आपको जो शुक्र जो बारहवें भाव में है वो विदेश से धन दिलाएंगे और मीन राशि पर बृहस्पति हैं, मीन राशि शुक्र की उच्च की है तो अष्टम से भी आपको गुप्त धन, शेयर मार्केट से लाभ और लॉटरी से लाभ और देखिए पैतृक संपत्ति कुछ मिल सकती है आपको, कोई पैतृक संपत्ति धन कुछ मिल सकता है। और बृहस्पति और शुक्र दोनों ही मिल करके सिंह राशि को देखिए बृहस्पति तो बहुत लाभ दे रहे हैं, बृहस्पति तो इस समय भाग्य भाव में है और बकरी जब हो गई तो चिकने स्ट्रांग हो गए क्योंकि स्लो ग्रह धीमा ग्रह ज़्यादा अच्छे फल देता है, इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाता है। लेकिन बृहस्पति पर शुक्र, बृहस्पति की शुक्र पर भी पंचम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव से जब बकरी है बृहस्पति तो शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र की राशि नंबर दो दसवें भाव में है, इस कारण से दसवें भाव से भी नौकरी से व्यापार से अपने काम से पैसा मिलेगा, काम से तरक्की मिलेगी एंड जो आप काम करेंगे स्वतः अपने उससे आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र देखिए जैसे मैंने बताया था छठे भाव में जो राशि बैठी है शनि की मकर राशि उस पर दृष्टि है तो वही। और बृहस्पति देखिए बृहस्पति जब बृहस्पति बैठे हैं नवम भाव में तो वहाँ से एक दो तीन चार पाँच लग्न पर दृष्टि बनवा रही, लग्न पर दृष्टि जो पड़ रही है वो तो जातक को बड़ा धार्मिक बचा रही है। बृहस्पति की दृष्टि आपके आचार विचार बड़े शुद्ध होंगे और बड़े एक्टिव रहेंगे। देखिए सातवें दृष्टि तीसरे भाव पर जहाँ तुला राशि है तो बृहस्पति का शुक्र का संबंध बन गया कि बृहस्पति जो है तुला राशि पर दृष्टि पड़ रही है जो कि शुक्र की राशि है और वहाँ पर पराक्रम परिश्रम करेंगे तो जातक लाभ मिलेगा, शुक्र का कृपा मिलेगी, शुक्र की राशि है और बृहस्पति की दृष्टि है, यात्राओं से लाभ होगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। और देखिए बृहस्पति की तीसरी राशि जो है पंचम भाव में धनु राशि पर है तो ये त्रिकोण में बैठे हैं नवम में और पंचम में दृष्टि पड़ रही है, यहाँ भी नवम पंचम का ही मान लो मतलब नवम दृष्टि पड़ रही है यहाँ से बृहस्पति की अपनी राशि पर धनु राशि पर तो संतान की तरक्की, संतान को लाभ, संतान को शिक्षा में लाभ, संतान को जॉब में लाभ, कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है जातक का तो उसमें सफलता, उसमें प्रगाढ़ता, प्रेम विवाह तक हो सकता है। तो मित्रों इस तरह मैं देख रहा हूँ कि बृहस्पति तो बहुत अच्छा कमाल कर रहे हैं सिंह राशि के लिए, बृहस्पति कमाल कर रहे हैं पर बकरी बृहस्पति हैं तो अष्टम भाव से शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र भी फिर मदद करेंगे। तो अभी बृहस्पति और शुक्र दोनों संयुक्त रूप से मिल करके सिंह राशि को विदेश से लाभ दिलाएंगे, विदेश भाव में थोड़ा खर्चा भी होगा और धन भी आएगा, विदेश व्यापार से धन आएगा, विदेश जाने का पॉसिबिलिटी है, विदेश यात्रा आपकी इस महीने हो सकती है। तो मित्रों ये मैं बता रहा हूँ बातचीत 4 सितंबर से जब से ये बकरी हुए तो अब शुरू हो गया है और 1 अक्टूबर तक रहेगा क्योंकि 1 अक्टूबर तक बृहस्पति 1 अक्टूबर तक शुक्र दोनों साथ साथ रहेंगे। शुक्र तो 1 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे लेकिन बृहस्पति 31 दिसंबर तक यहीं बैठ करके बकरी रहेंगे। तो बृहस्पति तो बकरी बृहस्पति तो सिंह राशि को बहुत आगे तक फल देंगे पर शुक्र का बृहस्पति का संयुक्त रूप से जो प्रभाव पड़ रहा है वो 1 अक्टूबर तक ही रहेगा। तो मित्रों अभी देखिए मैं यहाँ विराम लेता हूँ, अब अगली राशि की चर्चा करूँगा और आपसे निवेदन है कि जाते जाते कमेंट में माँ गणेश आय नमः लिखें और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों नमस्कार।